आई एम हीना शर्मा फ्रॉम JOGS अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि लिंक किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज आप ही की बुक की एक्सरसाइज है, आज हम उसे सॉल्व करेंगे और आप भी अपनी कॉपी में और अपनी बुक में इसे फिल कर लेना आंसर्स और याद करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष एवं स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अगेन, शरीर शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष एवं स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो आपकी ये परिभाषा आपकी बुक के पीछे वाले पेज पर भी दे रखी है, तो आप वहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पुल्लिंग किन शब्दों को कहते हैं। पढ़ाया हुआ है मैंने, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रीलिंग किन शब्दों को कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अगेन, शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये जो परिभाषाएं आपकी बुक में दे रखी हैं, आप वहाँ से भी इनको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से रंगीन शब्दों के लिंग बताने हैं। तो नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं और उसमें ये ब्लू कलर के आपको शब्द दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो मैं दो में बताऊंगी, बाकी तीन आपको खुद को करने हैं। सेवक जल पिला रहा है, तो सेवक क्या है, पुल्लिंग है। धोबिन कपड़े धो रही है, धोबिन क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी ये जो तीन शब्द हैं आपको खुद को बताने हैं और आपको खुद को अपनी बुक में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे आपको पांच शब्द दे रखे हैं, उसने क्या कहा, सबसे पहले आप इनका लिंग चेंज कीजिए और उसके बाद में उन वाक्यों उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे फर्स्ट है राजा, अब राजा का लिंग चेंज करेंगे यानी स्त्रीलिंग बनाएंगे तो रानी, अब रानी का वाक्य में प्रयोग करना है, रानी खाना बना रही है। ऐसे बेटा, बेटा का अगर लिंग चेंज करेंगे तो बेटी, अब बेटी से हमें वाक्य बनाना है। तो ऐसे अपने आपको पूरे पांच शब्द जो हैं दे रखे हैं उनका लिंग बदलकर आपको वाक्य में प्रयोग खुद को करना है। सो ये भी आप खुद फिल करेंगे और नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, आप कैसे भी हमें पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। अपन इसमें क्या हो रखा है, गलत वाक्य दे रखे हैं तो उनको सही करके अपन को वापस से लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माताजी खाना बना रहा है। अब माताजी क्या है, स्त्रीलिंग है, बना रहा है जम नहीं रहा ना, क्यों, क्योंकि ये पुल्लिंग के लिए था। तो सही क्या होगा, माताजी खाना बना रही हैं। तो ये जो सेंटेंस है आपको ऐसे सही करने हैं और आपको खुद को ही बनाने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि वे पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग। ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं शब्द, पीछे आपके दे रखे हैं, आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है और यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। पलंग क्या है, पुल्लिंग है। मेज क्या है, स्त्रीलिंग है। आपकी बुक में दे रखे हैं तो आप वहाँ से इन्हें फिल कर लीजिए और ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।